नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से यू लेटर से भगवान श्री राम जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह एक यू लेटर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इधर से यहाँ से ऐसे इसको मिलाना होगा। यहाँ पर हल्का सा अंदर करिएगा, फिर इधर से यूँ आप इधर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों बीच में आपको एक यू लेटर छोटा सा लिखना होगा और एक छोटी सी लाइन भी ड्रॉ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको श्री राम जी का यहाँ पर आई बनाना होगा, तो इधर से आप ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आईब्रो बन गया, यहाँ से ऐसे करिए, फिर यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, नीचे से यहाँ से उठाइएगा और इधर आप ऐसे कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा ऐसे आई बना दीजिए डॉट लगाकर। और दोस्तों आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है भगवान श्री राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से इनका हम नोज़ बना देंगे, इधर से यूँ मिलाइएगा। अब दोस्तों आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से ऐसे उठाइए, फिर इधर मिलाइएगा और इसको यहाँ से ऐसे मिलाकर हल्का सा आगे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों छोटा सा एक पॉइंट भी लगा दीजिए। अब हमें इधर से बनाना है इनका ईयर, तो नोज़ तक यहाँ तक करिएगा। इसी तरह दोस्तों आप इधर भी यहाँ पर रिपीट कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे छोटा सा सर्किल बनाना है, एक डॉट लगाकर यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। इसके बाद यहीं ईयर से ही दोस्तों हम ऊपर के साइड में ले जाएंगे और यहीं से हम इधर भी ऐसे ऊपर के साइड में बढ़ाएंगे। थोड़ा सा और बढ़ाइएगा इधर, यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा 3 नंबर लिखना है, फिर एक बार ऐसे 3 नंबर लिखिएगा, छोटा सा आर्क लगाइए। इसी तरह आप यहाँ पर ऐसे बढ़ाते जाइएगा। ऊपर से दोस्तों हम यहाँ पर एक सी लेटर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इधर हम श्री राम जी के लिए फूलों की माला बनाएंगे पहले, तो आप नीचे तक यहाँ तक ऐसे करिए। अब इसको हम डबल कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम आसानी से यहाँ पर डबल करते हैं। डबल करने के बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। यहाँ से भी हम ऐसे आगे के साइड में बढ़ाएंगे। माला थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, इधर भी आप ऐसे माला बढ़ा देंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करिएगा डबल, इधर से भी आप ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय भी आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब हम इधर से बगल से इनका हेयर बना देते हैं, इधर भी इनका हेयर बना दीजिए। हेयर बनाने के बाद अब हम धनुष बाण भी बनाएंगे, तो इधर से लाइन ड्रॉ करिएगा डबल लाइन, थोड़ा सा दूरी पे यूँ ऊपर से मिलाइएगा, फिर यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इसको आप ऐसे डबल करिए। अब इधर हम धनुष का बाण बनाएंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे लाइनें ड्रॉ करके छोटा छोटा वी लेटर लिखते जाइएगा। ये हो गया है धनुष का बाण। अब धनुष भी बनाना है दोस्तों श्री राम जी का, तो आप इधर से करिए और यहाँ पर ऐसे नीचे करिएगा और इधर से हम डबल कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ श्री राम जी का धनुष भी बन के तैयार होने वाला है। छोटा छोटा सर्किल बनाइए, फिर इधर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप इधर से ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करते जाइएगा और नीचे के साइड में लिखना है आपको जय श्री राम। तो गाइज हमारे बहुत ही आसान तरीके से भगवान श्री राम जी का चित्र बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम इनको आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।